ऐसा करते हैं, इसके और वेट बाय वॉल्यूम के बीच में कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है? कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन कैसे आएगा भाई, इसको मिटा देते हैं अभी, ठीक है? मोलारिटी इनटू वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज, इससे इसमें किसी भी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास 2m यूरिया सॉल्यूशन है, ठीक है? 2m यूरिया सॉल्यूशन का मतलब कितना हुआ, 2 मोल्स इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये क्लियर है? 2 मोल्स यूरिया। देखो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें डेंसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मोलर मास पक्के से पता होना चाहिए। तो मोलर मास पता होने के लिए हमें इसका सॉल्यूट पता होना चाहिए क्या है, ठीक है? सॉल्यूट का फॉर्मूला पता होगा तो उसका मोलर मास खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मोल्स इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है? तो 2 मोल्स इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई हम इसको, हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? 2 इंटू मोलर मास। जब कभी भी मोल्स दिए हों और अगर हमें गिवन मास कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, मोल्स इंटू मोलर मास। गिवन मास इज इक्वल टू, सॉरी, अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स, ठीक है? तो अगर हमें ये दिया हो और ये दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। गिवन मास विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है? ये क्लियर हुई बात, ठीक है? 2 इंटू, अभी मोलर मास कितना है इसका, 60 in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? तो हमें क्या समझ में आ गया, यहाँ पे हमें इसका मास आ गया भाई, तो ये तो चाहिए था। तो अगर मैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1000 into 100, सिंपल है ना, ठीक? ये कितना आएगा, 12%। कोई शक ठीक है? तो सिंपल था ना ये, है ना? इसी तरीके से मान लो तुम्हें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है, लेट से हमें दिया हुआ है 25% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कहूं कि इसकी मोलारिटी निकालो, ठीक है, कैलकुलेट कैलक्यूलेट मोलैरिटी, तो कैसे निकालेंगे भाई? इसमें बोला है 25 ग्राम्स, मतलब इसको सीधे लिख रहा हूं, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, नॉट वाटर, सॉल्यूशन, ठीक है जी? 25 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ना इसको देखो, 25 ग्राम्स है और ग्लूकोज की बात हो रही है, तो ग्लूकोज कितना होता है भाई, ग्लूकोज का मोलर मास अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 1, 2, 3, 180, ठीक है ना? तो मोल्स का मतलब क्या हुआ, मोल्स कितने हुए इसके, मोल्स 25/180 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, बस ठीक है। अब सीधे मोलारिटी निकाल लो, मोलारिटी का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे मोल्स कितने हो गए भाई, 25/80, ठीक, 180, 25/180, ठीक है, अपॉन 100 into 1000, ठीक है? तो 100 क्योंकि ml में है, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? ये इससे
इसको ऐसे करते पहले काटते नहीं, कहीं तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए समझने में। ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 25/180 × 100 × 1000। अब तुम काट दो कितना आ गया, 25/18, यही तो आया। ठीक है, इतने एम कर लो उसका, बाकी कैलकुलेट कर लेना तो। ठीक है, इतने एम हो गए। अगर हम ये जान ले कि जो न्यूमरेटर में दिया है वो सॉल्यूट के लिए दिया है, चाहे वो वेट हो चाहे वो मोल्स हो, और जो डिनोमिनेटर में दिया है एक्सेप्ट फॉर मोलैलिटी वो सारा का सारा सॉल्यूशन के लिए दिया होता है, यूजली वॉल्यूम में होते हैं, चाहे वो ml में हो, ठीक है, या फिर या चाहे ml में हो चाहे फिर लीटर्स में हो। ठीक है जी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूला भी। ठीक है, शुरुआत करते हैं मोलैलिटी से, मोलैलिटी मान लो। ठीक है, तो n मोल्स हो गए अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स मान लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम लीटर के सीधे एम एल ही ले लेते हैं यार, इंटू थाउजेंड हो गया, ये वो हो गया मोलैलिटी। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर मैं एन को अगर मैं लिख लूं वेट या मास ऑफ सॉल्यूट, या नीचे क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू थाउजेंड। ठीक है, तो इसमें से मैं मोलर मास को अलग ले लेता हूं, और 10 को भी, अगर मैं 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अलग से ले लूं, यहां ऊपर इधर क्या बच जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर, सॉरी नॉट मोलर, वी वॉल्यूम सॉल्यूशन इन एम एल इंटू 100। हाँ, 10 बार ले लेना मैंने। ठीक है, और ये क्या होता है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, दिस इज वेट परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या आएगी, एम, एक तो एम इज इक्वल्स टू 10 बाय मोलर या mm सॉल्यूट, इस तरीके से लिख देता हूं मैं इसको, इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू m मतलब मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, या फिर ये। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर।